जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक कीजिए और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड कलर के बटन को दबा के सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटे को बजा दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक प्रोग्राम के बारे में बताना चाहता हूँ जो कि हाल ही दिनों में ARY डिजिटल पर चल रहा है, जिसका नाम है माँ ममता और मेकअप। माँ ममता और मेकअप का जो कॉन्टेस्ट चल रहा है, इसमें लड़की एक बहुत ज़्यादा मशहूर हो गई है। ये लड़की जिसके पास भी जाती है वही बंदा जीत जाता है, डेली का बंदा चेंज हो जाती है। लड़की इतनी खूबसूरत है कि इसका जो भी मेकअप कर ले वही लड़की जीत जाती है। तो आप ये पैकेज देखें कि खूबसूरती को परखना, जिस तरह सना की बेटी को हमने जिस मेकअप आर्टिस्ट के पास भी भेजा, इस मेकअप आर्टिस्ट की तारीफ ही हुई, जिसकी खास वजह सना की बेटी की खूबसूरती है। इस लड़की का नाम फरियाल है। ये लड़की इतनी खूबसूरत है कि जो भी मेकअप आर्टिस्ट इसमें मेकअप करते हैं तो वो ही उस दिन का मुकाबला जीत जाते हैं। ये इस लड़की का चेहरा कैमरे में इतना खूबसूरत नज़र आता है कि जो भी आवाम जितनी भी पब्लिक जो इस पर फैसला करती थी वो उसको देखती थी तो वो मेकअप उसी मेकअप आर्टिस्ट को जितवा देते थे जिस मेकअप आर्टिस्ट के पास ये लड़की होती थी। और इस बात का इतराफ़ वाजिद और निदा यासर ने भी ARY डिजिटल माँ और ममता मेकअप के शो में इस बात का इतराफ़ निदा यासर ने भी किया है। और ये इसके नकूश फाशला इतने प्यारे है कि ये इसके ऊपर जिसने भी मेकअप किया है उस दिन उसके ही लिए फोन कॉल करें, सबसे प्यारी वो लग रही है, सबसे प्यारे इनका मेकअप है, सबसे मतलब लाइक लड़की है। पर यार इसकी साइड लेते हुए कहा है कि जो भी इसको ड्रामे में अगर कास्ट करना चाहे तो वो इसको ड्रामे में कास्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसका चेहरा कैमरे में बहुत खूबसूरत नज़र आता है। तो आप इसको ड्रामे में या किसी भी मॉडलिंग शो में इसको कास्ट कर सकते हैं। इसको घर से फुल इजाज़त है। निदा यासर ने इस लड़की की इतनी हिमायत कर दी है कि अब ये लड़की इतनी वायरल हो चुकी है सोशल मीडिया। देखिए कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जिनमें मेकअप बहुत सूट करता है, बहुत फोटोजेनिक होते हैं, कैमरे में बहुत अच्छे आते हैं। और माशाल्लाह तुम्हारा नाम क्या? फैयाल। सना की बेटी, सना की बेटी लगे हुए हैं, सना की बेटी, बाकी की बेटी, इसका नाम फैयाल है। आप खुद सोचने पर हैरान हो जाएंगे कि वाजिद खान और निदा यासर ने जो इसकी हिमायत की है तो वाकई में ये लड़की खूबसूरत ही होगी। तो निदा यासर ने इसकी हिमायत की है कि आप इसको ड्रामो में या मॉडलिंग में कास्ट कर सकते हैं। और माशाल्लाह फरियाल जो है ये इंटरेस्टेड भी हैं ड्रामो वगैरह में काम करने के लिए, तो इनको इजाज़त भी है घर से। तो अगर आप इनको कास्ट करना चाहें, क्योंकि इनको बहुत फोटोजेनिक है, आप जस्ट इमेजिन ये जिस भी ब्यूटिशियन के हाथ में गई है, चाहे कैसा ही मेकअप हुआ हो, नंबर वन ना। मैंने कहा ये क्या वाजिद, इन्होंने किसी और पे मेकअप किया है दूसरे दिन, तो सबसे आखिर में उनको चुना जा रहे हैं कि सबसे बुरी। तो मैंने कहा आज इसको हम बैठने नहीं देंगे, आज हम किसको किसी के हाथ में देने ही नहीं देंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हमारी वीडियो पे कमेंट लाजमी करना कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हम और भी अच्छी अच्छी भी न्यूज़ आपसे शेयर करते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे पूरी दुनिया में क्या चल रहा है।